बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नोबल प्राइज़ विनर्स की लिस्ट जो है 2021 की, उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस बंदे को किस कैटेगरी किस सब्जेक्ट में नोबल प्राइज़ दिया गया है। तो सबसे पहले हम नोबल प्राइज़ की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले नोबल प्राइज़ क्यों दिया जाता है, किसके नाम पे दिया जाता है। नोबल प्राइज़ जो है, नोबल प्राइज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन इस कैटेगरी। इट वाज फर्स्ट अवार्डेड इन 1901 एंड द नोबल प्राइज़ इज़ गिवन इन द सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। द नोबल प्राइज़ इज़ गिवन इन द मेमोरी ऑफ अल्फर्ड नोबल। अल्फर्ड नोबल की याद में ये जो है अवार्ड दिया जाता है। तो अब अल्फर्ड नोबल था कौन, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अल्फर्ड नोबल वॉज बॉर्न ऑन 21 अक्टूबर 1833 इन स्टॉकहोम, स्वीडन। ही वॉज अ केमिस्ट, इंजीनियर एंड इन्वेंटर। सो हेयर यू आर वॉचिंग एंड फर्स्ट नोबल प्राइज लॉरिएट and the list of Indian Nobel Prize literature, Rabindranath Tagore ने हासिल किया था 1913 में Nobel Prize literature में। इसके साथ और भी लिखे हुए हैं, मदर टेरेसा ने 1979 में लिया था Nobel Peace Prize। इसी तरह फर्स्ट फीमेल Nobel Prize laureate जो हैं, यंगेस्ट नोबल लॉरिएट का जो अवार्ड है वो मलाला यूसुफ़ज़ई, जो कि पाकिस्तानी है, आप सारे जानते हैं, उनकी एज उस वक्त 17 साल थी और 2014 में इनको पीस की वजह से अवार्ड दिया गया था। अब नोबल प्राइज़ कौन कौन से कौन देता है और किस लिए, किस सब्जेक्ट्स में ये दिए जाते हैं। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज एक्वर्ड्स नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री और लिटरेचर। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर में स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ये अवार्ड देते हैं। नॉर्वेजियन नोबल कमेटी एक्वर्ड्स द नोबल पीस प्राइज एंड नोबल असम्बली एट द करोलिंसका इंस्टीट्यूट एक्वर्ड्स द नोबल प्राइज़ इन मेडिसन। स्वीडन रिसिपिएंट एक्वर्ड्स द नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। Swedish chemist Alfred Nobel has drafted a will in 1895 where he reserved a large part of his estate to establish the Nobel Prizes after concern of how the world would remember him. उसने अपना कुछ हिस्सा जो है वो डोनेट किया था इसलिए कि वर्ल्ड उसको हमेशा के लिए याद रखे। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का अवार्ड जो दिया गया था 2021 में वो डेविड जूलियस और अर्डिम पटोपुटियन के पास है। फिज़िक्स का अवार्ड जो है वो दो लोगों को दिया गया है, सयोक्रो मनाबे और क्लॉस हैसलीमन को दिया गया है। इसी तरह केमिस्ट्री का जो है वो बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को दिया गया है। इसी तरह लिटरेचर का अवार्ड जो है अब्दुल रज़ा गुरना को दिया गया है। इसी तरह नोबल पीस प्राइज़ 2021 जो है वो मारिया रेसा और डिमिट्री एंड्रीविच माराटो को दिया गया है। इसी तरह इकोनॉमिक्स साइंसेस का अवार्ड जो है वो दिया गया है डेविड कार्ड को। इसके साथ जोशावा डी एंग्रिस्ट और गोडियो डी एम्बन्स को दिया गया है। इसी तरह अब नोबल प्राइज़ की जो हिस्ट्री 2020 की है, 2020 वाली लिस्ट भी आपके सामने है। लोइसी ग्लक है लिटरेचर में, एंड्रिया एम गेज है फिज़िक्स में, रॉजर पेनरोस है फिज़िक्स में, माइकल हगटन है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, चार्ल्स एम राइस है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। इसी तरह हर्वी जे अल्टर है फिजियोलॉजी में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पीस प्राइज़ है, रेनहर्ड गेंजल है फिज़िक्स में, जेनिफर डोंडना है केमिस्ट्री में, एमैनुअली चारपेंटियर है केमिस्ट्री में। तो ये थे नोबल प्राइज़ विनर्स और नोबल प्राइज़ की हिस्ट्री। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू।